हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग नमस्कार सो आज क्या क्विक अपडेट है इससे पहले कि बहुत कुछ कई बार मार्केट में इधर ऊल जुलूल भर दिया जाता है आपके कानों में सो इसलिए मैंने आपको जस्ट इसीलिए ये चीज़ बना रहा हूँ कि आपको क्विक अपडेट दी जाए ज़्यादा इधर उधर की बात ना हो सो मिस्टर ऐश आज वेबिनार uh, में जो कि ओ पी होता है क्रिस मार्टी और रेड uh, का सो uh, so उसमें अपडेट देने के लिए मिस्टर uh, आए थे मिस्टर uh, ऐश आए थे और बहुत अच्छी अपडेट दी उन्होंने क्विक और फास्ट uh, अपडेट थी सारी की सारी टू दी पॉइंट उन्होंने बात की uh, सबसे पहले तो बात करेंगे जो हमारे पेमेंट प्रोसेसर्स हैं जो uh, uh, हम पे अपने सब्सक्रिप्शन देते हैं 143 डॉलर सो uh, so, उसके बारे में उन्होंने बात की कि वो बंद क्यों है सिंपल uh, सा रीजन उन्होंने बताया ओके okay. क्योंकि हम लोग इतने एथिकल और कुछ बड़े तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं तो पहला जो प्रोसेसर था जो जो कि एक तारीख सितंबर से आ, जो प्रोसेसर ने हमारे साथ काम करना शुरू किया था लगभग एक एक हफ्ते ही उन्होंने काम किया और उसके बाद वो अपना कुछ जलवा दिखाने लग गए राइट और सारा का सारा पैसा आज भी उनके पास होल्ड किया हुआ है राइट सो so, उसके बाद मिस्टर एश ने वो प्रोसेसर को प्र, बदला और यूएसए के प्रो, प्रोसेसर हैं और वहां पे उनके साथ डीलिंग हुई थी और उन्होंने आ, आ, एग्री किया कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं सो so, उन्होंने हमारे साथ काम किया मिस्टर ने बोला बहुत अच्छे आ, आ, प्रोसेसर आ, जो भी आ, उनके सब लोग हैं बहुत अच्छा आ, बोलते हैं आ, बहुत प्यार से बोलते हैं सब कुछ करते हैं एंड बट उनके आके यहाँ पे आके अभी फिर से उन्होंने कुछ ये जो सेकंड प्रोसेसर है राइट पहले से तो हमने नाता छुड़ा लिया सो so, जो सेकंड प्रोसेसर थे उन्होंने अच्छा काम किया स्टार्टिंग में बट बाद में आके वो भी अभी थोड़ा कुछ गड़बड़ करने लगी इसलिए वो पेमेंट्स ब्लॉक हैं और वो सारे के सारे पैसे इनके पास भी ब्लॉक हैं राइट उन्होंने ऑन पैसे को जो हम लोग 143 डॉलर पे करते हैं कुछ भी कंपनी को नहीं दिया उन लोगों ने अपने पास रख लिए लोग खाऊ करप्ट देर तो मिस्टर एस ने बोले कि सब करप, कर, करप्ट लोग हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमसे कुछ अनएथिकली या कुछ चाह रहे हैं ये लोग कि हमें और मिस्टर उनको कुछ वो नहीं कर रहे उनको नहीं मालूम था कि हम इतने बड़े हैं और बातें बहुत स्वीट करते थे मिस्टर ने बोला बट उनको जब रियल में सारा कुछ हुआ तो वो वो थोड़ा सा उनको ये है कि अभी वो वेट करा रहे हैं हमें रोज मिस्टर एश को कहते हैं कि यस आज ठीक हो जाएगा कल ठीक हो जाएगा परसों ठीक हो जाएगा सो so अल्टीमेटली मिस्टर ऐश ने उनको अभी एक एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप ये ठीक कर रहे हो तो बता दीजिए नहीं कर रहे तो हम फिर हमारे पास जो हमारा प्लान है ऑन पैसे के पास अपना प्लान है बहुत कुछ करने का तो हम उस प्लान से फिर अपना चलता रहेंगे हमें तुम्हारी तो फिर जरूरत नहीं है राइट सो so, ये एक पेमेंट्स के बारे में अपडेट है मिस्टर ऐश को अच्छी तरीके से मालूम है कि कितनी जल्दी से जल्दी ये आप प्रोसेस या जो हम अपना अगर कुछ करेंगे वो वो यहाँ पे लेके आना है और उसी के बाद ही बाकी के जो हमारे दो प्रोडक्ट है वो आएंगे मिस्टर एश ने बोला राइट क्योंकि पहले सबसे पहले ये प्रायोरिटी है इसको सही करने के लिए सो so ये uh, uh, कुछ मे बी इस हफ्ते में इस सारा कुछ सही हो जाए मिस्टर रैश ने बोला है या uh, एक दो चार दिन और अगले हफ्ते के लगे बट uh, मिस्टर एश ने एक डेडलाइन दे दी है उन लोगों को कि अगर आप कर रहे हो गुड नहीं कर रहे आप प्लीज हमें बता दीजिए और हम अपने तारों से क्योंकि प्लान भी मिस्टर एश के पास हमेशा है और वो कंपनी का खुद का प्लान है वो राइट right? वो किसी के ऊपर फिर डिपेंड नहीं हो, होना पड़ेगा कि फिर से तीसरे के पास है ऐसा कुछ नहीं है वो मिस्टर ऐश का खुद है और मिस्टर ऐश ने क्लियरली बोला कि वो हम अभी वो वाली चीज लाना नहीं चाहते थे बट ये मजबूरी में फिर क्योंकि ये लोग ऐसा करें तो हमें वो चीज यहाँ पे लानी पड़ेगी जो कि इंटरनेट को शेक करके रख देगी राइट right? सो uh, so, वो वो ऐसी चीज है राइट right? तो मिस्टर ने बोला कि ठीक है फिर हमें मजबूरी में वो अपने प्लान को अभी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि वो बाद में करना था उन लोगों ने तो, तो उसके हिसाब से फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा इन हाउस है सारा कुछ वो चलता रहेगा तो ये पेमेंट प्रोसेसर्स के बारे में ये क्विक अपडेट है जो कि आ, 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 आपको मालूम होनी चाहिए सो जस्ट पेशेंस बना के रखना मिस्टर एश बिल्कुल लगे हुए हैं और जिस दिन भी हो गया आपको वहां पे आके अपडेट करेंगे यस की इस दिन से ये चालू हो जाएगा सेकेंड थिंग ये है उन्होंने ट्रैफिक के बारे में बोला जो कि आप भी वो चीजें सुनना चाहते हो बहुत बहुत नंबर से आप सरप्राइज हो जाओगे मिस्टर एस ने सीधा बोला कि आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं कि इस लेवल की ट्रैफिक हमारे पास आ गई है लोग Uh, uh, मतलब कि हमारे पास खुद चल के आ रहे हैं कि हमें ये करना है हमें हमें आपके यहाँ पे आना तो इस लेवल की वैल्यू है राइट right? सो so, वो भी एक पार्ट है ऑन पैसिव का जो कि ऑलरेडी वहां पे हो रहा है राइट ओ कनेक्ट के बीच में काफी सारे फीचर्स और भी डाल दिए गए हैं Uh, कुछ और भी फीचर बहुत ही महंगे वाले फीचर हैं वो भी कंपनी ने आने वाले दो हफ्ते में डालेगी राइट बट उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा वो कंपनी एंड से मिस्टर ने बोला कि हम सारा कुछ हम बेयर करेंगे वो सारा का आ, सारा कुछ है ओकनेट में इवन के म्यूट करने वाला जो ऑप्शन है वो अभी होस्ट या को होस्ट वो सबको किसी को भी जाके वहां पे कर सकते हैं अपने उससे तो वो फीचर भी आप जाके खुद वहां पे देख सकते हो जो लोग ओकनेट के होस्ट एंड को होस्ट बनते हैं टेलीप्रॉम्प्टर को आप कहीं कहीं पे भी इधर का उधर कर सकते हो अभी एक्सपेंड कर सकते हो right? uh, तो फीचर्स आप खुद जाके पे कर सकते हो, हमारे ठीक है 25 परसेंट हमें वो आता था डायरेक्ट का 100 परसेंट आता था ये सारी चीजें तो हैं बट अभी एक और बोनस के लिए उन्होंने बोला सरप्राइज के लिए आप लोग तैयार रहिए है कि वो बोनस हम आपको देने वाले हैं ओके उसका क्राइटेरिया क्या है हमें नहीं मालूम बट मिस्टर एश ने ये बोला है प्लस इसमें एक कुछ और भी है जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ और अपने तरीके से करते जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन वहाँ पे मिस्टर ऐश ने बताया आज की यस वो भी वो भी हम हम देख रहे हैं राइट so, बहुत अच्छी अपडेट्स हैं सारी की सारी और जो ट्रैफिक के बारे में उन्होंने बात की उससे मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि इस लेवल की ट्रैफिक है जो यहां पे आ गई है और मिस्टर ऐस ने वही बोला कि कुछ बड़े बड़े बिजनेस नेम्स हैं वाने वाले में बताएंगे हमें तो बड़े-बड़े बिजनेस तो मतलब प्लीज स्पेकुलेट मत करो ये जो इवेंट्स हुई हैं सारा हुई हैं ये कुछ और है आप इसको कुछ और समझ रहे हो सारे के सारे उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है राइट तो इसलिए स्पेकुलेट मत करो तो मिस्टर ऐसे बोला मैं खुद आके आपको बताऊंगा क्या है ये और क्या हो रहा है और इसके बाद मिस्टर एश ने एक और चीज बोली कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स गौ, के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से तो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है राइट तो वो भी आ, मिस्टर ऐश हमें बताने वाले हैं और एक आ, उन्होंने बोला कि जब उन्होंने काफी दिन पहले एक बात बोली थी मेन स्ट्रीम मीडिया है जो आ, क्योंकि कई बार कुछ लोग बोलते सर मेन न्यूज में क्यों नहीं हम आ रहे मेन न्यूज तो उन्होंने कुछ दिखाने वाला है कहीं ना कहीं पे ओके ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आ, और उसके बाद वो उन लोगों को बुलाया जाएगा और एक ओक नेट को लॉन्च करने का वो एक आ, 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 न, न, पार्टी कह लो या ओकनेट लॉन्च करने का एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी कहाँ पे की जाएगी अभी नहीं मालूम है राइट तो वहां से बहुत कुछ नए बिजनेसमैन नए लोग जो क्लाइंट हम हमारे देख के जो होश उड़ जाएंगे कि ओ अच्छा ये लोग भी यहाँ पे हैं जो कि ओकनट के क्लाइंट है तो ये सारी अपडेट्स थी काफी काफी राइट आ, सो पेमेंट्स का था प्रोडक्ट्स का था और जो मिस्टर एशन वाला कि नया साइकिल होगा डेफिनेटली वो जो 30 नवंबर के बाद जो साइकिल है उसके बाद आ, कुछ प्रोडक्ट्स ये जो हैं हमारे ओ ट्रैकर और वो वो सारी चीजें वहाँ पे डाल दी जाएंगी और फिर वो सारा क्योंकि चीजें फ्लॉलेस चलने वाली हैं राइट उसके बाद तो ये सारी की सारी ये अपडेट्स हैं और इसको जैसे क्विक तरीके में एश ने बताया तो वही है ज्यादा इसको इधर का उधर ना समझा जाए पेमेंट्स के बारे में मिस्टर बहुत सीरियस हैं तो वो जैसे शुरू हो जाएंगी तो आप लोग फिर उसको वो कर सकते हैं बट द रियलिटी इज कि जितने भी पेमेंट्स आज तक हम लोगों ने वहां पे दी हैं वो सारी की सारी ये प्रोसेसर्स ने मिस्टर ऐश को एक रुपया भी नहीं उसका दिया वो होल्ड करके बैठे हुए हैं और जितने भी कमीशन आज तक ऐश ने दिए हैं चाहे वो क्रिप्टो में आए हैं वो वो सारे के सारे के ऐश ने अपने पास से हमें दिए हैं क्योंकि कंपनी कंपनी डेफिनेटली बहुत कुछ के पास है राइट तो वो वो कंपनी ने खुद अपने तौर से प्रोसेस करके दे दिए हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है बट मिस्टर ऐश ने बोला कि जैसे ही ये शुरू हो जाता है तो वो बल्क में ओके okay, होल में हमें ये जो सारे जितने भी रुके हुए हैं कमीशन आपके तो होलसेल में आपको बांटने वाले हैं सारे के सारे जो जो जिस जिसने अप्लाई किया उसको ज्यादा टाइम लगेगा उसको साथ के साथ में होलसेल में चाहे वो क्रिप्टो के हैं चाहे वो आ, 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 बैंक पे और तो वो सारे के सारे एक ही झटके में वो सारे के सारे दे दिए जाएंगे ओके सो तो आपकी कंपनी वर्क कर रही है जस्ट आप फोकस बना के रखिए ऐसे ही होता है मिस्टर एश ने बोला कि जब कुछ हम अपने टर्म कंडीशन पे जब काम कर रहे हैं तो ये जो बड़े बिग डॉग्स हैं बेसिकली वो वो झटके में है बेसिकली अगर उसको देसी भाषा में बोल दिया जाए वो कुछ झटके में है इसीलिए ऑन पैसिव इतनी बड़ी बन रही है कि हम अपने टर्म्स कंडीशन पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो शायद अपने सोच उन्होंने ऐसे सोचा कि शायद ऑन पैसिव वैसे हो जाएगी बट ऐश ने एग्जैक्टली exactly बोला कि बहुत लालची हैं ये लोग बहुत करप्ट हैं ओके okay? आ, यही वर्ड उन्होंने यूज यूज किया इसलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे राइट बहुत करप्ट हैं ये ऊपर के लोग और बहुत करप्शन है राइट और एक जगह पे नहीं लगभग सब जगह पे ये वाला बात है बट मिस्टर एस ने बोला क्योंकि हम हमने हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस को हमने ऐसे ही चलाना है एथिकल वे से चलाना है और वैसे ही हम चलाएंगे हम किसी के पीछे लग के उनकी बात नहीं मानेंगे और हम अपने तौर पे उनको अल्टीमेटम भी दे दिया है अगर वो वो प्रोसेस ठीक ओके डन करते हैं ठीक है एक दो चार दिन में नहीं तो हम अपना जो प्लान बी है वो मिस्टर ऐश खुद का यहाँ पे लाके और वो सारे सिस्टम को शुरू कर देंगे ओके सो तो तो ये सब बातें बैक एंड पे हो रही हैं एंड बहुत जल्दी हमें ये सारी की, सारी की चीज़ें फ्लॉलेस चलती हुई दिखेंगी क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही सिंसियर सीईओ हैं जो कि हमारे सबके बारे में सोच रहे हैं राइट कमीशन के बारे में उन्होंने बताया इवन ट्रैफिक के बारे में, में बताया और उन्होंने बोला आपके आप फिगर्स देख के हैरान हो जाओगे जो आप सोच रहे हो उससे भी पता कितने गुना और ज्यादा है राइट तो इवन के मिस्टर